दोस्तों, अगर अभी तक आपने रेड किंगडम हॉरर स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, वरना यही स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में आपने देखा था रेड किंगडम सोन को मारकर बेहोश कर देता है और गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अब ये क्या करें। गुल्ली बुल्ली को ऐसा लगता है कि अब रेड किंगडम गुल्ली बुल्ली को भी नहीं छोड़ेगा। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। रेड किंगडम गुल्ली बुल्ली को मारने वाला ही होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर कोई आदमी आ जाता है जिसका नाम मैडम होता है और ये चलते चलते सीधा ही रेड किंगडम के पास आकर रुकता है और रेड किंगडम से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन, कहीं इस बच्चे को तुमने तो नहीं मारा है। एडम की ये बात सुनते ही रेड किंगडम एडम की तरफ देखने लग जाता है। शायद अब एडम बचेगा नहीं क्योंकि रेड किंगडम तो काफी खतरनाक आदमी है। एडम को ऐसा लगता है कि ये कोई जोकर है जो कि सर्कस में काम किया करता है और इसलिए इसने इस तरह का मास्क पहना हुआ है। तभी अरे ये क्या, रेड किंगडम तो नाचने लग गया क्योंकि आज काफी सारे लोगों को रेड किंगडम ने मारा है और इसे लोगों को मारने में काफी खुशी मिलती है। और तभी अरे ये क्या, इसने तो एडम को मार दिया और एडम सीधा ही जमीन में आकर गिरा है। ये सब देखते ही गुल्ली बुल्ली यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन अब पता नहीं सोन का क्या होगा क्योंकि सोन तो यहीं है। थोड़ी देर में सोन उठने लग जाता है क्योंकि सोन को होश आ चुका है। पता नहीं अब रेड किंगडम सोन के साथ क्या करेगा। सोन जैसे ही उठकर खड़ा होता है तो सोन तुरंत ही पीछे पलट कर देखता है क्योंकि सोन को पीछे से कुछ महसूस होती है। सोन जैसे ही रेड किंगडम को देखता है तो ये काफी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे पीछे जाने लग जाता है। और तभी अचानक से इन दोनों को कुछ दिखाई देता है और ये लोग उधर देखने लग जाते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा क्या देखा होगा। दरअसल इन्होंने देखा कि एडम तोड़कर खड़ा हो रहा है क्योंकि एडम को होश आ रहा है। लेकिन सोन को एडम के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था क्योंकि सोन तो उस टाइम बेहोश था। एडम जैसे ही उठकर खड़ा होता है तो वो काफी गुस्से में पीछे पलट कर देखता है और कहता है, ओ भाई तुम जो भी हो अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि तुमने मुझे बिना मतलब के ही मारा है और तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कैसा आदमी हूँ और मैं कौन हूँ ये तो तुम जानते ही नहीं होगे। और मैं किसके लिए काम करता हूँ जब ये बात तुम्हें पता चलेगा तो तुम डर के मारे यहाँ से तुरंत ही भाग जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुपचाप मेरे से मार खा लो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एडम की ये सारी बातें सुनते ही रेड क्रिमिनल कहता है कि बुला लो जिसे बुलाना है, मुझे किसी से डर नहीं लगता और वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि तुम्हें होश आ चुका है। अगर तुम बेहोश पड़े रहते तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देता और तुम जिसको भी बुलाओगे मैं उसको भी बेहोश कर दूंगा क्योंकि मैं एक क्रिमिनल हूँ और मैं सारे लोगों को मारता हूँ और मुझे सारे लोगों को मारने में काफी खुशी मिलती है। और हाँ, रही मारने की बात, तो तुम मुझे कभी मार ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे से काफी ज्यादा ताकत मुझ में है और मैं तुम्हें एक ही लपड़ में सुला दूंगा। एडम जैसे ही ये क्रिमिनल की बातें सुनता है तो एडम को अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आता है और एडम कहता है, ठीक है तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं उसे बुला ही लेता हूँ और मैं अभी घर जा रहा हूँ और मैं उसे थोड़ी देर में यहाँ पर भेजता हूँ और वो तुमसे आकर लड़ेगा और तुम उसे लड़ नहीं पाओगे, वो तुम्हें एक ही लपड़ में सुला देगा और तुम कभी उठ भी नहीं पाओगे। और एडम ये भी कहता है कि मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया, मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं 5 मिनट के अंदर ही यहाँ आ जाऊंगा। इतना कहते ही एडम यहाँ से जाने लग जाता है और एडम को जाते हुए क्रिमिनल चुपचाप देख रहा होता है। लेकिन तभी सोन काफी ज्यादा डरने लग जाता है क्योंकि सोन को काफी डर लग रहा है। दरअसल सोन इसलिए डर रहा है क्योंकि सोन यहाँ पर अकेला पड़ चुका है और अब क्रिमिनल सोन को छोड़ेगा नहीं। थोड़ी देर में क्रिमिनल आगे बढ़ने लग जाता है, शायद ये सोन को मार देगा। तभी इन लोगों को कुछ दिखाई देता है और ये लोग उधर देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, उधर से तो एक आदमी आ रहा होता है और ये क्रिमिनल को देखते ही यहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि इसे पता है कि क्रिमिनल कैसा आदमी है। लेकिन क्रिमिनल कहाँ किसी को छोड़ने वाला है, क्रिमिनल इस आदमी के पीछे पीछे दौड़ लगा देता है। लेकिन तभी अचानक से क्रिमिनल को कुछ दिखाई देता है और क्रिमिनल काफी ज्यादा डर जाता है। शायद वो आदमी यहाँ आ चुका है जिसके बारे में एडम कह रहा था। लेकिन यहाँ जो भी आया होगा वो दिखने में काफी अजीब होगा इसलिए ये इतना ज्यादा डर रहा है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो काफी खतरनाक आदमी आ चुका है और ये दिखने में काफी अमीर घर का लग रहा है। ये रेड किंगडम के पास आते ही कहता है, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा है, तुम्हें पता भी है कि उसे कितना तेज बुखार है, वो घर में जाकर सोया पड़ा है और वो मुझसे कह रहा है कि जाओ उसे लड़ कर आओ क्योंकि उसने मुझे बिना मतलब के ही मारा है, आखिर तुमने उसे बिना मतलब के क्यों मारा है। मुझे पता है कि वो काफी सारी गलतियां करता है और मैं उसे मारता नहीं हूँ और तुम कौन होते हो जो कि उसे बिना गलती के ही मारोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रेड किंगडम कहता है, अरे जाओ जाओ वरना मैं तुम्हें भी उठा उठा कर पटक दूंगा, बहुत देखे हैं तुम जैसे, तुम्हें पता नहीं कि मैं कैसा आदमी हूँ, मैं एक क्रिमिनल हूँ और ऐसा वैसा क्रिमिनल नहीं बल्कि मैं एक रेड क्रिमिनल हूँ और मैं काफी खतरनाक हूँ, मैं लोगों को मार देता हूँ और मुझमें काफी ज्यादा ताकत है और तुम मुझसे कभी नहीं लड़ पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से घर चले जाओ वरना मुझसे मार खा लो।
बताओ इसमें अब तुम क्या करना चाहोगे, मुझे पता है कि तुम मार ही खाओगे। दरअसल ये जो हिप हॉप के कपड़े पहनकर आया है उसका नाम आलोक है, और तभी आलोक कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर आज आप मुकाबला करके देख लेते हैं, हम दोनों में फाइट रखते हैं और जो भी जीतेगा तो समझ जाना कि वही ज्यादा ताकतवर है। और आलोक ये भी कहता है कि चलो तो मुकाबला स्टार्ट करते हैं। मुकाबले के बारे में सुनते ही सोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसे लड़ाई देखने का मौका मिल रहा है। तभी अरे ये क्या, ये दोनों तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं, पता नहीं कौन जीतने वाला है, कहीं गलती से क्रिमिनल ना जीत जाए, क्योंकि अगर क्रिमिनल जीत जाएगा तो ये सोन को छोड़ेगा नहीं क्योंकि सोन तो यहीं खड़ा है। और सोन एक सबसे बड़ी गलती कर रहा है, और सोन सबसे बड़ी गलती यही कर रहा है कि सोन यहाँ से जा ही नहीं रहा है, सोन को यहाँ से निकल लेना चाहिए था, लेकिन सोन यहाँ पर लड़ाई देखने में लगा हुआ है। तभी रेड क्रिमिनल आलोक को मार देता है और आलोक सीधा जमीन में आकर गिरता है, और फिर थोड़ी देर में आलोक उठ जाता है। और फिर आलोक जैसे ही उठता है तो ये लोग फिर से लड़ने लग जाते हैं। अरे ये क्या, इस बार तो दोनों को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आलोक क्रिमिनल से अपना बदला जरूर ले लेगा क्योंकि क्रिमिनल ने आलोक को गिरा दिया है। लेकिन यहाँ जो भी हो रहा था यही सब देखकर सोन को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, और सोन यही सब देखने में लगा हुआ था, और सोन ये सोच रहा होता है कि ये लोग ऐसे ही लड़ाई करते रह जाए। और तभी अरे ये क्या, आलोक ने तो क्रिमिनल को मार दिया। और फिर थोड़ी देर में ये लोग फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक से इन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती है और ये लोग उधर देखने लग जाते हैं, और इन लोगों को कुछ ऐसा दिखाई दिया है जिसे देखकर ये लोग अपनी पोजीशन में ही रुक जाते हैं। दरअसल इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो वोरोक आ चुका है, और वोरोक इन दोनों को छोड़ेगा नहीं, बल्कि इन तीनों को छोड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ तो सोन भी है। सोन वोरोक को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये अब समझ चुका है कि यहाँ से भागने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वोरोक तो और भी ज्यादा तेज दौड़ता है। सोन को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गुल्ली बुल्ली इसे छोड़कर कहाँ चले गए, कहीं गुल्ली बुल्ली बाबा को तो बुलाने नहीं चले गए, लेकिन बाबा को यहाँ आने में काफी देर हो जाएगा। तभी अरे ये क्या, आलोक और क्रिमिनल तो यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि इन्हें भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन वोरोक उन दोनों को नहीं दौड़ाता है क्योंकि यहाँ पर सोन खड़ा था, और वोरोक अपने मन में ये सोच रहा होता है कि आज सोन को ही मारकर खा लूंगा, उन दोनों को भागने दो। और फिर वोरोक आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वोरोक आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सोन का डर भी बढ़ते जा रहा था, पता नहीं अब वोरोक सोन के साथ क्या करने वाला है। थोड़ी देर में वोरोक सोन के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे मारने वाला ही होता है कि तभी अचानक से वोरोक को एक गोली लग जाती है। लेकिन आखिर गोली मारी किसने, जिसने भी गोली मारी है उसने सोन को बचा ही लिया है। सोन ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है, और यहाँ से अब सारा कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन आखिर गोली किसने मारी, और यहाँ पर कहीं बाबा तो नहीं आ गए। तभी सोन जब सामने देखता है तो सामने में तो एडम खड़ा होता है, और ये काफी दूर में है, और इसके हाथ में एक गन होता है, लेकिन आखिर इसके हाथ में कौन सा गन है, सोन ये देखने की कोशिश करता है लेकिन सोन को सही से नहीं दिख रहा होता है। तभी सोन काफी अच्छे से देखने की कोशिश करता है और सोन को पता चलता है कि इसके हाथ में तो एक AWM है, और एडम ने AWM से सोन को बचाया है, और AWM से ही वोरोक को मार दिया है। सोन को तो ऐसा लगा था कि एडम कहीं का डाकू है और वो लोगों को मारता है, इसलिए वो कह रहा था कि मैं किसका आदमी हूँ तुम्हें पता नहीं है। सोन उस वक्त ये सारी बातें सुन रहा होता है, और फिर सोन ये सोचने लग जाता है कहीं एडम सोन को भी ना मार दे, और सोन यही सब सोचकर काफी ज्यादा डरने लग जाता है। और तभी एडम कहता है अरे तुम डरो मत, मैंने इसे मार दिया है और अब मैं घर जा रहा हूँ, मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं अब सारा कुछ ठीक हो चुका है, तुम भी अपने घर चले जाओ वरना यहाँ पर कोई और मॉन्स्टर आ जाएगा। और हाँ इस AWM में तो और गोली है ही नहीं, अगर यहाँ पर कोई मॉन्स्टर और आ जाएगा तो मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाऊंगा। इतना बोलते ही एडम यहाँ से दौड़कर भागने लग जाता है और ये अपने घर जाने लग जाता है। थोड़ी देर में एडम यहाँ से चला जाता है, और एडम के जाने के बाद सोन काफी खुश हो जाता है, लेकिन सोन काफी ज्यादा परेशान भी है, और सोन ये सोच रहा होता है कि आखिर गुल्ली बुल्ली से छोड़कर कहाँ चले गए। और फिर सोन अपने मन में कहता है कि गुल्ली बुल्ली कैसे आदमी है, वो मुसीबत में मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं, वो पक्का किसी से मदद मांगने के लिए गए होंगे या फिर वो डायरेक्ट बाबा के पास चले गए होंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि बाबा का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वो डायरेक्ट बाबा के पास ही चले गए वो भी दौड़ते हुए, और फिर वो थोड़ी देर में बाबा को यहाँ लेकर आ जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या क्या हो चुका है। लेकिन तभी सोन को कुछ दिखाई देता है, और सोन देखता है कि यहाँ पर तो गुल्ली बुल्ली दौड़ते हुए आ रहे हैं, और गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं, ऐसा क्या हुआ वो गुल्ली बुल्ली के साथ। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली सोन के पास आने लग जाते हैं,
और फिर थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली सोन के पास आकर खड़े हो जाते हैं और बुल्ली कहता है, अरे सोन यहाँ पर क्या हुआ था, ये वोरक तो यहाँ पे गिरा हुआ है, कहीं से तुमने तो नहीं मार दिया, यहाँ पर क्या हुआ था सोन मुझे जल्दी से बताओ। सोन कहता है, अरे नहीं मैं इसे कैसे मार सकता हूँ, ये तो काफी बड़ा है और ये मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, इसे तो किसी ने AWM से मारा है और जिसने भी मारा है वो काफी अच्छा आदमी था, उसने मेरी जान बचाई है और मैंने उसे थैंक यू भी नहीं बोला लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और फिर वो घर चला गया। लेकिन यहाँ जो भी हुआ वो सब देखकर मुझे तो काफी खुशी हुई, अगर तुम लोग यहाँ पर रहते तो तुम लोगों को भी काफी मजा आता, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। अरे सोन हम लोग तो काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि तुम यहाँ पर बेहोश पड़े हुए हो, लेकिन तुम तो मजे लेने में लगे हुए थे, ये बहुत गलत बात है सोन। तभी सोन कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली पीछे पलट कर देखो उधर से तो कोई आ रहा है। गुल्ली बुल्ली जैसे ही पीछे पलट कर देखते हैं तीन लोगों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि ये लोग देखते हैं कि उधर से तो बाबा चलते हुए आ रहे होते हैं। दरअसल उस टाइम में गुल्ली बुल्ली बाबा को बुलाने के लिए चले गए थे और बाबा ने कहा था कि जाओ मैं थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन बाबा को यहाँ आने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि बाबा की बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था। बाबा ने ये सारी बातें गुल्ली बुल्ली और सोन को बता दी और बाबा ने ये भी कहा कि इसलिए मुझे यहाँ आने में लेट हो चुका है, मेरी कोई इसमें गलती नहीं है। तभी गुल्ली कहता है, अरे वो सब छोड़िए ना बाबा, यहाँ पर सारा कुछ ठीक हो चुका है और एक आदमी ने ही AWM से इस वोरों को मार दिया है और सोन को भी कुछ नहीं हुआ है। तभी सोन कहता है, हाँ बाबा चलिए मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ और साथ में गुल्ली बुल्ली को भी सारी बातें बता देता हूँ। और इस तरह से सोन गुल्ली बुल्ली और बाबा को सारी बातें बताने लग जाता है और सोन कहता है कि यहाँ पर एक हिप हॉप के कपड़े पहनकर आया था और वो काफी ज्यादा ताकतवर था, उसने तो क्रिमिनल को भी एक बार गिरा दिया था और अभी वो दोनों यहाँ से भाग चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ ये सारी बातें सोन एक एक करके बताते ही जा रहा था। और इस तरह से सोन की जान बच चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।